लाहौर हाई कोर्ट, परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब का इंतखाब चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी आज समाअत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हमजा शहबाज के पास मतलूबा नंबर्स नहीं, ये कहा गया परवेज इलाही की जानिब से। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक हमजा शहबाज को बतौर वजीर आला पंजाब काम से रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब का इंतखाब चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी आज समाअत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हमजा शहबाज के पास मतलूबा नंबर्स नहीं, इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। जी बताएगा क्या इस्तदा की गई है। जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से आईनी दरख्वास्त में ये मौकफ अख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आईन के आर्टिकल 63 की तशरीह की गई है, उसके बाद हमजा शहबाज असम्बली में अक्सरियत खो चुके हैं, हमजा शहबाज के पास मतलूबा नंबर नहीं है और इसी बुनियाद पर हमजा शहबाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलदम करार दिया जाए। जबकि इसके साथ साथ एक मुतफरक दरख्वास्त भी परवेज इलाही की जानिब से दायर की गई है और उसमें ये इस्तदा की गई है कि जब तक इस पटिशन का हतमी फैसला नहीं होता हमजा शहबाज को फौरी तौर पर काम करने से रोका जाए और जो तकर्रियां और तबादले हमजा शहबाज की जानिब से किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको कलदम करार दिया जाए। ये आईनी दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर हो चुकी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी कुछ देर बाद स्पीकर पंजाब असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। जी कुछ देर बाद इस पर समाअत होगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया मोहम्मद इशफाक।